पॉलिटिक्स में रहे हैं, आपको एक्चुअल नेशनल पॉलिटिक्स फेस करना पड़ा है, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि आप पॉलिटिकल फील्ड में ही जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल फील्ड में हूँ। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है चुनाव लड़ना, बिल्कुल एक हिस्सा। जैसे हम लोग एक फिल्म देखे थे तो उसमें एक डायलॉग कहता था कि लव इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज़ नॉट लाइफ। उसी तरीके से कि राजनीति में चुनाव लड़ना एक बात है, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसे कंप्लीट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है ना। हमने बोतल का दाम कितना होगा और इस बोतल को कौन एक्सेस करेगा, ये पॉलिटिकल सवाल है। मुझे पोलियो नहीं हुआ है तो एक पॉलिसी के चलते नहीं हुआ, कि मेरी माँ नहीं भी कमाती थी फिर भी उसको टीका दिया गया सरकार की तरफ से, और ये राजनीति से तय होती है। तो आपके पैदा होने से पहले आपके साथ राजनीति शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है कि कन्हैया इंडिया के लिए अब क्या है, किस चीज का प्रतीक है? क्या आप लार्जर देन लाइफ हो गए हैं? क्या आपको कोई प्रेशर फील होता है कि हाँ मुझे ये बनना है, ये बन के दिखाना है? आपकी किताब के एंड की तरफ भी आपने कहा कि बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। मैं एक ही चीज फील करता हूँ, कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बस जिंदगी जीनी है। हाँ, वो मैं नहीं जी पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपने अभी बोला सब कुछ पॉलिटिकल है, ऐसे तो आप सर्टेनली हैंड्स वॉश नहीं कर सकते। मैं इस बिल्कुल मुगालते में नहीं हूँ कि किसी के द्वारा क्रांति की जाती है, ये मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। चीजें होती हैं अपनी गति से, आपको बस अपनी भूमिका तय करनी होती है कि आप किस ओर खड़े हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का आंदोलन लड़ा जा रहा है, कुछ लोग अंग्रेज के साथ भी चाय पी रहे थे और वो आज हिंदुस्तान में हैं, अच्छे पोजिशन में हैं। उस वक्त भी कुछ नहीं खोया था और आज भी कुछ नहीं खोए हैं, लेकिन सबके पास एक चॉइस होता है। लेकिन जो लोग वहाँ खोए और आज भी उनके पास कुछ नहीं है, आप बटुकेश्वर दत्त की फैमिली को नहीं जानते होंगे, आप भगत सिंह की फैमिली को नहीं जानते होंगे, वो आज भी खो रहे हैं। आप तय कीजिए कि जो लोग कुंडली मार करके बैठे हुए उनके क्लब में शामिल हो जाएंगे कि खोने वाले लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आपने अपनी किताब में ये बहुत बारी बोला है कि आपकी कोशिश रही है कि सारे लेफ्ट, जो जितने भी पॉलिटिकल लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स हैं JNU में, सबको एक साथ मिलजुट के ABVP को फाइट करना चाहिए और ऐसे इस आइडियोलॉजी को फाइट करना चाहिए, पर मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि आपने आयशा के बारे में कुछ अच्छा बोला। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक सेकेंड। आपको क्या लगता है, आप फेयरली लिख पाए हैं इस किताब को, मतलब अपने बायसेस को अलग करके लिख पाए हैं, या ये आपका कुछ प्लान ही नहीं था कि आपने जो सोचा वैसे ही सीधा सीधा लिखा है? देखिए, इसको मैं दो हिस्से में आपको पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मैं प्रिंसिपली इस बात को मानता हूँ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दी प्रिंसिपल इनमी और प्रिंसिपल अपोजिशन। इनमी इज नॉट राइट वर्ड, अपोजिशन। दूसरा जो आप बोले कि आयशा के खिलाफ या अच्छा नहीं बोले, देखिए नहीं, मतलब हम बोलेंगे हमारा प्रिंसिपल एक मतलब अपोजिशन जो है वो मैंने BJP भी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ राइट विंग आइडियोलॉजी, उसको रिप्रेजेंट करता है RSS, वो है जी। बाकी कोई नहीं है, बाकी को लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो है, वो विदिन लेफ्ट भी है, आउटसाइड लेफ्ट भी है, ठीक है, वो है, उसमें कोई मैंने आई एक्सेप्ट इट। दूसरा आप ये बोलेंगे कि ऑनेस्टी से लिखेंगे नहीं, लेकिन देखिए मेरी माँ एक बात कहती है, शायद मैंने कहीं लिखा है, सच और झूठ में एक फ़र्क होता है, सच को याद नहीं करना होता है। अभी आप बता रहे थे कि किताब बहुत सिंपली लिखा गया है, इसीलिए सिंपली लिखा गया है ना कि जो सच हमको नहीं कहना था ना, नहीं कहे, लेकिन झूठ नहीं बोले। और ये जो किताब है ये बायोग्राफी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं कही गई है, ये रिकॉर्ड है, इवेंट्स का रिकॉर्ड है, ये एक एक जो है एवोल्यूशन प्रोसेस है, एक बच्चे का एजुकेशन सिस्टम में जाने का, सोसाइटी को फेस करने का, सोशल प्रॉब्लम उसके कॉन्ट्राडिक्शन को, जेल पहुंचने का, उससे सीखने का और आने वाली जिंदगी को तय करने के प्रोसेस का, जस्ट ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। आपको अब इस किताब लिखने के बाद जो भी सब पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट से रिटेलिएशन होगा इसके लिए? ऑब्वियसली इसमें से जो है वो इसका ऑपरेशन करेंगे,
और एक लाइन जो मैंने कहा कि मैं आर्मी का सम्मान करता हूँ, हाँ। लेकिन इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि आर्मी के कुछ लोगों के द्वारा कश्मीर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाए। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये जो है मैंने रिपोर्ट्स कहती है, ठीक है ना, ये मेरी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आर्मी को सम्मान करता हूँ ये बात हटा दी है, और दूसरा हिस्सा लाइन, तो इसी तरीके से एक लाइन हट करके दूसरा लाइन जो है, तो ये फिर प्रूफ है आपकी किताब की, आपने पूरे किताब में लिखा है हर एक लाइन, अब वो उठा के हटाएंगे भी तो प्रूफ तो है, प्रूफ तो हर जगह है, वीडियो में भी प्रूफ था। ठीक है, थैंक यू सो मच कन्हैया, शुक्रिया।